हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल रेसिपी सब। आज मैं आपके लिए लाई हूँ कोकोनट कुकीज की रेसिपी, जो बिल्कुल मार्केट के जैसी है। इसे आप कढ़ाई में और अवन में दोनों में बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। तो चलिए बनाते हैं इसे। मेरी रेसिपी पसंद आए तो इसे जरूर से लाइक करें। मेरे चैनल पे चल रहा है कॉन्टेस्ट, दो बेस्ट कमेंट को मिलेगा एक सरप्राइज गिफ्ट इस मंथ के लास्ट में। आपको करना है वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट। मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब भी कर लें। तो सबसे पहले कढ़ाई को हम प्रीहीट करेंगे। इसके लिए इसमें एक स्टैंड रखिए और उसे ढक कर 10 मिनट के लिए लो फ्लेम पर प्रीहीट करिए। एक छोटी सी प्लेट या कोई थाली हो उसे लें और बटर या घी से इसे ग्रीस कर लें। अब इसमें मैदा डस्ट करिए और मैदे को अच्छी तरह से हम कोट कर लेंगे इस तरह से, और जो एक्स्ट्रा मैदा है उसे हम निकाल देंगे। और ये हमारी प्लेट ग्रीस हो गई बहुत अच्छी तरह से। अब एक मिक्सिंग बाउल लें, इसमें 2 कटोरी मैदा लें। इसी कटोरी से हम सारे मेजरमेंट करेंगे। अब आधा छोटा चम्मच बेकिंग पाउडर लेंगे, एक चुटकी नमक भी लें और अब इनको हम अच्छी तरह से छान लेंगे। और इस आटे को एक तरफ हम रखेंगे। अब फिर से एक दूसरे बाउल में 1 कटोरी देसी घी या बटर ले सकते हैं और 1 कटोरी पिसा हुआ शक्कर। अब इनको हम बीट करेंगे। इसको अच्छी तरह से बीट करना है, फेटना है, ताकि फेटते फेटते ये हल्का हो जाए और कलर भी इसका चेंज हो जाए। ये देखिए, इससे आपकी कुकीज बहुत अच्छी बनती है। अब इसमें हम जो मैदा हमने निकाल के रखी है उसे मिला लेंगे। अब इसमें हम डालेंगे 1 कटोरी कोकोनट पाउडर या डेसिकेटेड कोकोनट पाउडर जो है उसे आप लें, और इसमें 1 छोटा चम्मच दूध लेंगे, इससे अधिक बिल्कुल नहीं लेना है। और फिर इन्हें को हम मिला लेंगे, हाथ से मिला लेंगे, इसका अच्छा सा एक डो बना लेंगे। ये देखिए बहुत अच्छा डो तैयार हो गया। अब इसमें से हम छोटे छोटे बॉल्स बनाएंगे नींबू के साइज के बराबर, और सारे जो बॉल्स हैं कुकीज के एक बराबर होने चाहिए। इनको हल्के हाथों से इसके गोले बनाएं और इसको पेड़े का शेप देंगे, हल्का सा चिपटा करके बिल्कुल ऐसा। और इसी तरह से हम सारे कुकीज के डो बना लेंगे और इसको ग्रीस किए हुए प्लेट में रखेंगे। रखते समय इसमें 1 इंच का गैप रखें। और मैं अभी इसमें थोड़ा सा ऊपर से शक्कर के दाने लगा रही हूँ, ये देखने में बहुत ही खूबसूरत लगते हैं और कलर भी बहुत अच्छा आता है। तो सारे कुकीज़ में मैंने इस तरह से लगा के इसको हल्का सा प्रेस कर दिया है ताकि इसको अच्छी तरह से चिपक जाए। और अब इसे हम प्रीहीट किए हुए कढ़ाई में रख देंगे और इसे 20 मिनट के लिए बेक करेंगे लो फ्लेम पर। बचे हुए डो को मैं अवन में बेक कर रही हूँ, तो अवन को भी प्रीहीट कर लेना है आपको। और इसे हम 20 मिनट के लिए बेक करेंगे 180 डिग्री सेल्सियस पे। और देखिए बेक हो गया है हमारा कढ़ाई में कुकीज, और कितना अच्छा कलर आया है। और ये जो अवन में वो भी कुकीज बेक हो गई है, सेम कलर आया है, सेम एक जैसा बना है, बहुत ही परफेक्ट कुकीज बनी है, बहुत ही टेस्टी है, अच्छा स्मेल आ रहा है। जरूर से ट्राई करिए अपने घर में एक बार। पसंद आए वीडियो तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू, बाय बाय।